हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राम राम जी सबको। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ। फ्रेंड्स मुझे आज सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो सोचा मैं किस किस को कमेंट में समझाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही डाल देती हूँ। और अगर आप सबसे पहले मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है फ्रेंड्स, उन सब का दिल से धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स आप सबके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते फ्रेंड्स, ऐसे ही साथ देते रहना, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मुझे अपने बारे में कुछ बात करनी थी कि पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत हो रही है मुझसे आजकल। लोग कह रहे हैं कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये हम आपकी कंप्लीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता नहीं कुछ लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर आई होप वो समझदार है खुद ही। मुझे पता है वो लोग वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो में आते हैं, तो उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ना मेरा कोई आप लोगों से मतलब है। मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ, तो आप लोगों को क्या मतलब है? मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? या तो आप ये बताओ कि कभी मैंने आप लोगों के बारे में कुछ कहा वीडियो में, तब तो आप मुझे कह सकते हो कि नहीं तुमने ये गलत कहा, क्यों कहा हमारे बारे में, तो फिर क्यों आप लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है? फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे काम करूं, मैं यूट्यूब पे आऊं। कहते हैं कि गाँव की लेडीज़ है और गाँव की लेडीज़ को सिर्फ घर तक ही सीमित रहना चाहिए, यूट्यूब पे नहीं वीडियो डालनी चाहिए, गोबर उठाती है, ये करती है, वो करती है, घर पे रहती है तो घर पे रहो, ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। लोग मुझे ऐसा कुछ कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ फ्रेंड्स जब मुझे इस तरह के क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं। वो जो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं ना, वो सब मेरे अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग ऐसा करते हैं, वरना प्राय लोगों को क्या पता कि मुझे किस बात से दिक्कत होती है, किस बात से परेशानी होती है। तो मैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मैं जिस तरह से हूँ मुझे वैसे ही रहने दो। आप लोगों को मेरे मामले में दखलंदाजी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, और ना आपका हक बनता है कि आप लोग ऐसे इंटरफेयर करें। तो प्लीज़ मैं आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरह की मेरे मामले में दखलंदाजी ना करें। बेहतर होगा कि आप अपने बारे में सोचें, अपने काम के बारे में सोचें। मैं भी यही सोचती हूँ, मुझे लोगों की बातें बनाने का इतना टाइम नहीं होता, मैं अपने आप में व्यस्त हूँ, अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हूँ, अपने बच्चों के साथ बिज़ी हूँ, और जो मुझे टाइम मिलता है वो मेरा अपनी घर गृहस्थी में निकल जाता है। पर फिर भी दुख हो जाता है जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ कि नहीं ये है वो है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अरे मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारा क्या लिया है मैंने। मैं नेट यूज़ करती हूँ खुद का, फ़ोन यूज़ करती हूँ खुद का, तो तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें नहीं देखना वीडियो, तुम वीडियो में मत देखो, पर प्लीज़ इस तरह की बातें मत बनाओ। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं गाँव से हूँ और हमारे गाँव में क्या क्या मान मर्यादाएँ हैं, कानून हैं, कायदे हैं, मैं सब जानती हूँ। मैं इतनी भी गवार नहीं हूँ, गाँव की हूँ तो क्या हुआ। क्या गाँव की एक औरत को, फ्रेंड्स आप ही बताना कि गाँव की औरत को जीने का हक नहीं होता? उसे अपनी ज़रूरतें, चॉइसें, कुछ खुशियां होती होगी उसकी भी, उसे भी तो ये लगता होगा कि नहीं यार उसकी भी तो कुछ खुशियां हैं, उससे भी तो जीने का हक है। क्या गाँव की औरतों को जीने का हक नहीं होता? तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या गाँव की औरतों को जीने का हक नहीं होता? क्या इतनी गवार होती है गांव की औरतें?
मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं तो जैसे भी हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ और यही मेरी रियलिटी है, मैं इसी में खुश हूँ। तो प्लीज़ आप लोग आइंदा से ऐसे सवाल मत उठाइएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप जो भी है आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। इसीलिए मैंने मजबूरी में मुझे वीडियो बनाना पड़ा, वरना मैं आप किस किस को ये समझाती फिरती कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। एक तो धूप लग रही है यार सामने। और मेरी YouTube फैमिली के लिए बस मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ फ्रेंड्स। इसी तरह से साथ देते रहना ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। हाँ, और मैं ये बता सकूं कि मैं गांव की हूँ पर मैं गवार नहीं हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करना, और आप लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। और मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।